नमस्कार, आप देख रहे हैं पायनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। देखिए इस वक्त हम डीपीएस चौक के पास मौजूद हैं, जहां पर आप देख सकती हैं एक कार का भयंकर एक्सीडेंट हो गया और इस कार की आप हालत देखेंगे तो बद से बदतर हो गई है। आप देखेंगे पूरी तरीके से ये जो गाड़ी है क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी के जो है अंजर पंजर सब ढीले हो गए हैं, टायर फट गया है, पर खच्चे उड़ गए हैं आगे से। देखेंगे इसकी हालत जो है बहुत ज्यादा खराब है। डिवाइडर में लगने के बाद में दो तीन बार गला मंडी खाई गाड़ी ने। अच्छा। फिर पहिए ऊपर थे, गाड़ी नीचे थी। फिर मैंने हल्ला करके लोगों को बुलाया, मैंने उनको खूब रोका, रुक जा भाई, जल्दी आ जल्दी आ जल्दी आ, मैंने हल्ला करके बुलाया। वो बोले कि नहीं 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 नहीं, गाड़ी में सीधी करो, हमारे और लग जाएगी। वो अपने आप गाड़ी में से निकल आए। कितने लोग थे गाड़ी? दो थे। और कितने बजे की घटना है? ये अभी एक सवा घंटे पहले की। एक सवा घंटे पहले की। गाड़ी किस ओर से आ रही थी? इस साइड से आ रही थी, डीपीएस चौक की ओर से। डीपीएस चौक की तरफ जा रही थी। अच्छा, डीपीएस चौक की तरफ जा रही थी। तो ब्रेक लगाने की उन्होंने कोशिश की थी? हाँ, ब्रेक की आवाज आई थी, ब्रेक की बहुत जोर से आवाज आई थी। मैंने जब घूम के देखा, जब तक तो इसमें डिवाइडर में लग गई है, फिर गाड़ी में दो तीन बार पलटी है। हाँ जी। तो गाड़ी किसने सीधी चोटे नहीं आई है? नहीं, चोट किसी की नहीं आई है। वो आधे घंटे यहाँ रुके, पुलिस भी आ गई थी, ट्रैफिक वाले भी आ गए थे, फोटो वगैरह ले रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। फिर वो उनसे बातचीत कर कर आके वो ऑटो में बैठ के दोनों लेडीज और जेंट्स दोनों चले गए। फिर पुलिस वाले मेरे को चाबी दे गए। अच्छा, गाड़ी किसने सीधी की है बाद में? गाड़ी तो क्रेन आई थी। कंट्रोल नहीं हो पाया। कौन कौन था सर गाड़ी में? एक लड़का एक लड़की थी। बताया जा रहा है गाड़ी पलट गई थी। हाँ, गाड़ी बिल्कुल पलटी हुई थी। पिक मेरे पास अवेलेबल है। अभी क्या चोट हुआ? क्या बिल्कुल चोट? बिल्कुल भी नहीं लगी, बिल्कुल किसी को कोई चोट नहीं है। अभी क्या कार्रवाई की जा रही है? घर चले गए दोनों, एक साकर में गाड़ी ले गए। देखिए बताया जा रहा है, यहाँ पर देखिए वर्ल्ड ऑफ फाइनेस्ट स्प्रिट के सामने हम मौजूद हैं। यहाँ पर ये जो सिक्योरिटी गार्ड थे, इन्होंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है कि यहाँ से गाड़ी बेहद तेज रफ्तार में आ रही थी, डीपीटीपी चौक से और डीपीएस चौक की ओर जा रही थी। और इतनी तेज गाड़ी थी कि इन्होंने जब घुमाने की कोशिश की तो घूमी नहीं, और फिर जब ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाते समय दो तीन बार गाड़ी जो है पलटी और गाड़ी पूरी उल्टी हो गई थी। जिसके बाद सिक्योरिटी गार्ड ने सबको आवाज दी। आवाज देने के बाद उन्होंने खुद कहा कि हम खुद निकल जाएंगे, आप गाड़ी सीधी करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी और हमें चोट भी लग सकती है। युवक और युवती इसके अंदर थे और दोनों ही बिल्कुल सुरक्षित हैं। मौके पर पुलिस प्रशासन और क्रेन जो है पहुंचे थे, जहां पर पुलिस प्रशासन ने उनकी सारी बात सुनी, हादसा जो हुआ उसके बारे में सुना। उसके बाद क्रेन ने गाड़ी को सीधा कर दिया। बताया जा रहा है गाड़ी जो है पूरी उल्टी हो गई थी, पूरी पलट गई थी, चारों टायर ऊपर हो गए थे। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए पायनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।